आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी सोच की पार्टी है। इन्होंने जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया में पैरामीटर्स रखे हैं, वे आज से पहले हिंदुस्तान में किसी भी पुलिस में, किसी भी फोर्स में या किसी भी जगह भर्ती में महिलाओं के लिए ऐसे पैरामीटर नहीं रखे गए। देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमने ये पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी सोच की पार्टी है। ये जिस तरीके से इन्होंने भर्ती प्रक्रिया में जो पैरामीटर्स रखे हैं, वो आज से पहले हिंदुस्तान की किसी भी पुलिस में, किसी भी फोर्स में, किसी भी जगह पे भर्ती में महिलाओं के लिए ऐसे पैरामीटर नहीं रखे गए। ये महिलाओं को एम्बेरस करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि महिलाएं घरों से निकले नहीं, नौकरी मांगे नहीं, बराबरी का हक मांगे नहीं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के समाज में अपना योगदान ना दे सकें। ये महिला विरोधी सोच को, भारतीय जनता पार्टी के महिला विरोधी सोच को एक बार फिर दर्शाता है। हम इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं। ऐसा ना हो कि महिलाओं को सड़क पे अपने अधिकारों के लिए उतरना पड़े और अपने अपमान के खिलाफ आवाज उठानी पड़े। आम आदमी की पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैंने पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी सोच की पार्टी है। इन्होंने जिस तरह के भर्ती में पैरामीटर्स रखे हैं, वे आज से पहले हिंदुस्तान की किसी भी पुलिस में, किसी भी फोर्स में या किसी भी जगह महिलाओं के लिए ऐसे पैरामीटर नहीं रखे गए।